Hello everyone! What is up? I hope you all are doing super duper great. तो आज मेरी पूरी family घर पे थी. Means दीदी, मम्मी, they all are at home और बहुत ज़्यादा bore लग रहा था यार. अच्छा, हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे एक जगह जो आई गेस कोरबा में, उस जगह को मिनी गोवा बोलते हैं, सतरेंगा. एंड आई हैव बीन देयर, बट मैं तब गई थी जब वहाँ कुछ भी नहीं था, बंजर था, राइट. और अभी वहाँ तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है. अभी 2 बजे है कि चलते चलते चलते. जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा. हम लोग इतने भूखे लोग हैं, बताओ. रास्ते में देख के रुक गए ना. मुंह पानी आ जाता है मेरे. हाँ, अरे बहुत टेस्टी भी लगता है. इसमें नमक वमक डाल दिए. Finally we are here. और पीछे देख रहे हो बहुत सारे झूले और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है झूलने की. तो या सब झूलेंगे, सारे बच्चों के हैं, कोई भी हमारे एज के लिए अलाउड नहीं आया है, नो, बट फिर भी हम झूलेंगे. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. ये भी जवाब दे दिया. बेटा देखने लो पागल. It was at this moment that he knew he fucked up. Okay guys, so weather bahut hi zyada pyara ho raha hai yaar. So let me tell you, jab tak hum log ki boarding abhi hum waiting pe hai, to tab tak main aap log ko ek cheez dikhaungi. Bahut acha lagta hai ki ye sari cheeze, ye jo main painting hai, isko Chhattisgarhi mein suwa nachna bolte hain. Ye ek parrot hai, usko ek टोकरी में रख के देन छत्तीसगढ़ी जो औरतें होती है वो आसपास खड़े होकर डांस करती है, और ये यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है. और ये यार, ये इतना प्यारा लगता है, सीरियसली ये बहुत सही है. कैन यू सी दिस व्यू? ओ माय गॉड. ये यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ी सारी और एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रही है, और यहाँ पर मेन आदमी मांदर बजा रहे हैं. ओके, छत्तीसगढ़ में मांदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मांदर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज रियली अ वेरी वाइटल रोल. तो ये यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाया गया है, और ये पूरा मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ठीक है, एक जो व्यू है, जो ये वाला व्यू है, ये रेनबो वाला, ये तो चलो फोटोग्राफी के लिए एक सीन बना दिया गया है. बट अ पार्ट ऑफ दैट, ये जितनी भी ड्राइंग्स है, जितनी भी पेंटिंग्स है, वो बहुत प्राउड फील होता है यार. वन मोर थिंग, कि जो ये वाला आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, दिस वन, यहाँ पर पे रात को कैंप्स प्रोवाइडेड होते हैं, आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं. शूट इज ऑन. यो, देखते हैं क्या डिसाइड हुआ, कौन सी बोट डिसाइड हुई. यार मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है, पता है, वो ऐसे चप्पू वाले में, वो मोटर वाले में नहीं, चप्पू वाले में, ऐसे चप्पू मार मार के आगे जाने का. तो देखते हैं कन्वेंस करके कौन सा बोट. हम लोग वो वाला बोट किया, वो देखो, वो जो दिख रहा है ना, लग्जरी. यही तो बोल रही थी मैं आपको, बता दूं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, टाटा बिरला, अंबानी बिरला, और वो अदानी, सब इसमें घूमते हैं आके. अच्छा, हमको सिखा रहा है. अभी मजे आएंगे, बस लाइफ जैकेट मिल जाएगा, क्योंकि तैरना तो आता नहीं है. पोपट हो जाएगा. चिकलू, तुम यहाँ इतने दूर घास छिलने आए हो? तो अभी यहाँ पर पर्ची कटेगा, एंड देन फिर जो भी बोर्ड बुक होगी उसमें जाएंगे. और कितना प्यारा लग रहा है यार, एक्साइटमेंट. जल्दी पर्ची कटवाओ यार. Thank you.
ओके गाइस, सो मैंने अभी यहाँ पर पूछा कि ये शुरू से ऐसा ही था क्या, पहले से? तो इन्होंने बताया कि नहीं, पहले ये प्रॉपर एक गांव था और ये जहाँ तक आपको पूरा पानी दिख रहा है ये पूरा खेत था, यहाँ पर गांव था और लोग यहाँ खेती करते थे, बट फिर बगल में बांगो डैम बन गया तो फिर वहाँ का पानी यहाँ आके रुक गया है, तब से फिर ये सतरेंगा एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। Dingy, you want part-time job? नहीं, ऐसे कर, इन दोनों को चलाने दे दो, वहाँ टिकट 100 रुपया कर दो। पैसा ही पैसा होगा। ऐसे करते रहूँगी तो मेरा आगे तुम्हारा बन जाएगा। जरा इनका भी देख लो, इनका काम छीन गया। काम से? नहीं, मेरे को दिक्कत। ये क्या कर लियो? ये लाओ भी तो निकल गया। देखो फैशन, देखो इतने अच्छे से रेडी होके आई और हाथ पे चप्पल की हील्स पकड़ी। ओके, सो ये वाला जो है ये सतरेंगा का मेन पार्ट है। दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड ये आप लोग जब गूगल में भी सर्च करोगे तो आप लोग को ये वाला पार्ट दिखेगा और ये बहुत ही प्यारा है, नो डाउट। और ये आई गेस जितने भी मोटर बोट्स और मोटर बाइक्स हैं ये सबका एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ आने के बाद ही फिर ये जो मेन है ये यहाँ का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ही जितने भी मोटर बाइक्स और मोटर बोट्स हैं वो ऑपरेट होते हैं। ओके गाइस, सो मोस्टली क्या यार, हर चीज़ें ही हमने कवर कर ली और अभी शाम भी हो गया है, 5:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है यार, तो अभी चलते हैं किसी होटल पे कुछ खाते हैं। One eternity later. Okay guys, so इस वीडियो की एंडिंग हम यही करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।